हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। और फिर एक बार लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक शानदार वीडियो। और इस वीडियो में फिर खास होने वाला है, बहुत ही खास और बहुत ही मजेदार बातें करेंगे। बिना स्किप किए हुए आप जो है वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपना जो है फीडबैक बताते रहिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, बम्पकिन, बम्पकिन, बम्पकिन का मतलब गवार होता है। पंपकिन का मतलब क्या होता है? गवार। पंपकिन नहीं समझ लीजिएगा, पंपकिन का मतलब कदुआ हो जाता है, समझ गए ना। तो पंपकिन बोल रहे हैं, पंपकिन नहीं बोल रहे हैं। तो पंपकिन का मतलब गवार होता है। प्ले बुआ का मतलब आवारा लड़का होता है। प्ले बुआ मतलब क्या होता है? आवारा। प्ले का मतलब चालू करना भी होता है। प्लेज मतलब नाटक भी हो जाता है। प्लेज विलियम शेक्सपियर का प्लेज है। तो प्लेज का मतलब नाटक होता है, प्ले मतलब चालू करना होता है। लेकिन यहां पर क्या है? प्ले और यहां पर है बुआ। तो ये नहीं समझिएगा, प्ले मतलब खेलना, अब बुआ मतलब लड़का, खेलना बुआ, ये नहीं समझ लीजिएगा। प्ले बुआ जब एक साथ हो जाता है तो प्ले बुआ का मतलब आवारा लड़का होता है। क्या होता है? आवारा लड़का। टॉम, टॉम बुआ, टॉम बुआ का मतलब नखरेबाज लड़की होता है। टॉम बुआ का मतलब क्या होता है? नखरेबाज लड़की। ये नहीं कहिएगा कि टॉम बुआ का मतलब क्या होता है कि बुआई लगा हुआ है तो लड़का हो जाएगा, नहीं, इसीलिए नहीं लिखे थे यहाँ पर, बताने के लिए आपको कि यहाँ बुआ भी दिया रहेगा लेकिन टॉम बुआई जब लग जाए तो टॉम बुआ का मतलब नखरेबाज लड़की होता है। यहाँ बुआ का मतलब लड़का होता है लेकिन टॉम बुआ हो जाएगा तो टॉम बुआ का मतलब नखरेबाज लड़की। चीटर का मतलब जो होता है धोखेबाज हो जाता है, चीटर है। चीटर का मतलब क्या होता है? धोखेबाज। चीटर का मतलब क्या होगा? धोखेबाज। इम्पोस्टर कहेंगे। इम्पोस्टर का मतलब ही क्या होता है? धोखेबाज होता है। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब क्या होगा? धोखेबाज। बैट्रेयर, बैट्रेयर का मतलब ही धोखेबाज होता है। बैट्रेयर का मतलब ही धोखेबाज होता है। चीटर का मतलब ही धोखेबाज होता है और इम्पोस्टर का मतलब ही धोखेबाज होता है। आगे है प्लेटोनिक लव। प्लेटोनिक लव का मतलब होता है सच्चा प्यार। प्लेटोनिक लव का मतलब क्या होता है? सच्चा प्यार। आप लोग ट्रू लव भी बोल सकते हैं कि सच्चा प्यार है मेरा, ट्रू लव है मेरा, प्लेटोनिक लव है मेरा, सच्चा प्यार है। टेंडर लव कह सकते हैं वहां पर, टेंडर, TENDER, टेंडर लव। टेंडर लव का मतलब होता है मेरा प्यार तो बड़ा टेंडर है, बड़ा नाजुक है। टेंडर लव का मतलब क्या होता है? नाजुक प्यार होता है। तो प्लेटोनिक लव का मतलब हो गया सच्चा प्यार और ट्रू लव का मतलब क्या हो गया? सच्चा प्यार। टेंडर लव का मतलब क्या हो गया? बड़ा ही नाजुक प्यार है मेरा, बहुत नाजुक प्यार है, टेंडर लव है। पप्पी, पप्पी का मतलब होता है कुत्ता का बच्चा। पप्पी का मतलब क्या होता है? कुत्ता का बच्चा। पप्पी का मतलब क्या होता है? कुत्ता का बच्चा। लेकिन सेम वर्ड पप्पी है, यहां लव जोड़ दीजिएगा तो पप्पी लव का मतलब होता है बचपन का प्यार। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, तो पप्पी लव के बारे में बात होता है। पप्पी लव का मतलब हो गया बचपन का प्यार। फस, फस मतलब होता है बात का बतंगर बनाना। बात का बतंगर बनाना, जीद नहीं छोड़ना, एक बात को खूब खींचना, लमड़ाना उसको, बात को बार बार वही बात के रिपीट करना, फसिंग करना, फस करना, बात के बतंगर बनाना, बात के छीलना, जिसे बात को लेकर पकड़े हुए हैं, छील रहे हैं सुबह से लेकर एक ही बात को, उसी को फस कहेंगे। फस मतलब होता है बात का बतंगर बनाना। स्टॉप फसिंग, स्टॉप फसिंग का मतलब होता है रोना धोना बंद करो। स्टॉप फसिंग का मतलब क्या होता है? रोना धोना बंद करो। स्टॉप फसिंग, रोना धोना बंद करो। बोस्ट का मतलब होता है गप मारना। बोस्ट का मतलब गप मारना, बवाली बात करना, हवा में बात करना, बवाली बात करना, बात में कोई दम है नहीं, अब बोस्ट कर दिया, गप मार दिया सीधे आकर, हवाबाजी करना, हवा में बोल देना, एक बात बिना समझे समझे बात करना, बिना सोचे समझे बात करना, उसको बोस्ट कहेंगे। गप मार देना हो गया, गप मारना, उसको एयर एंड वाटर दे देना। एयर एंड वाटर देना मतलब हवा पानी देना, गप मारना, एयर एंड वाटर दे देना, हवा पानी देना या गप मारना। स्पेन इन एयर, इसका भी मतलब होता है गप मारना, हवाबाजी करना, ढकोसला बनाना, बात को बना बना के बोलना, उसको होगा स्पेन इन एयर कहेंगे। नॉनसेंस, किसी को बोल देते हैं कि नॉनसेंस कहीं का, बेहुदा कहीं का, नॉनसेंस है तुम, एक नंबर के बेहुदा है, यू आर ए नंबर वन नॉनसेंस, तुम एक नंबर के बेहुदा हो।
रेच, रेच का मतलब होता है, रेच का मतलब होता है अभागा होता है, रेच का मतलब क्या होता है अभागा। इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब पापी होता है, इम्प्योर है अशुद्ध है पापी है, ऐसे पाप का इंग्लिश सीन होता है, एस आई एन, सीन का मतलब ही पाप होता है। सन ऑफ डॉग, सन ऑफ डॉग का मतलब होता है कुत्ता का बच्चा, सन ऑफ डॉग है क्या, कुत्ता का बच्चा है क्या तुम, यू आर ए सन ऑफ डॉग, तुम कुत्ते के बच्चे हो, तो सन ऑफ डॉग का मतलब होता है कुत्ता का बच्चा। स्वार्थी का मतलब होता है सावला, सावला, स्वार्थी का मतलब क्या होता है सावला, स्वार्थी माने सावला। पियरलेस का मतलब लाजवाब होता है, पियरलेस शॉट बाय विराट कोहली, विराट कोहली के द्वारा जो है लाजवाब शॉट है ना, तो पियरलेस मतलब होता है लाजवाब होता है। स्कम बैग का मतलब घटिया व्यक्ति, नीच व्यक्ति, एकदम घटिया है, स्कम बैग है, घटिया। मीन मतलब मतलब होता है, मीन का मतलब क्या होता है मतलब, और मीन का मतलब जो है ना, मीन का मतलब जो है आपका, मीन का मतलब जो मतलब होता है वही मीन का मतलब जो होता है नीच आदमी होता है, घटिया आदमी होता है, यू आर मीन, तुम एक नंबर के नीच हो, तो मीन का मतलब क्या होता है घटिया। कॉलस, कॉलस का मतलब होता है पत्थर दिल वाला, जिसको हार्ड हार्टेड भी कह सकते हैं, हार्ड हार्टेड पत्थर दिल वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है, उस पर थोड़ा भी रहम करने वाला नहीं है, एक नंबर के पत्थर दिल वाला आदमी है, रहम नाम के चीज नहीं है उसमें, तो उसको क्या कहेंगे कलस कहेंगे, कॉलस का मतलब पत्थर दिल वाला। पैम्पर ईगो, ईगो का मतलब जो होता है, ईगो मतलब घमंड, ईगोइस्ट माने घमंडी है एक नंबर के ईगो, लेकिन पैम्पर ईगो का मतलब होता है भाव देना, पैम्पर ईगो का मतलब क्या होता है भाव देना। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सही सलामत, सेफ एंड साउंड का मतलब क्या होता है सही सलामत। बर्ली का मतलब होता है हट्ठा कट्ठा, बर्ली मैन, हट्ठा कट्ठा आदमी है, बर्ली है, बहुत मजबूत आदमी है ना, बर्ली कह सकते, तो उसका बर्ली मतलब हट्ठा कट्ठा होता है। हेल कैट, हेल का मतलब जो होता है, हेल का मतलब तो नर्क होता है, हेल का मतलब नर्क होता है, एंटोनिम्स होता है पैराडाइज का, हेवन का, और उसके बाद ईडन का, ईडन मतलब स्वर्ग होता है, और हेवन मतलब ही स्वर्ग होता है ना, और पैराडाइज मतलब ही क्या होता है स्वर्ग होता है, और इसका एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक कहिए, इसका उल्टा कहिए क्या होता है हेल, हेल का मतलब नर्क होता है, लेकिन उसमें कैट जोड़ दीजिएगा तो हेल कैट, हेल कैट का मतलब चुड़ैल, हेल कैट का मतलब क्या होता है चुड़ैल होता है। कैट, कैट मतलब बिल्ली होता है, और फाइट मतलब लड़ना होता है, फाइट मतलब क्या होता है लड़ना, तो कैट फाइट, तो कैट फाइट मतलब हो जाएगा लड़कियों की लड़ाई, कैट फाइट मतलब क्या होगा लड़कियों की लड़ाई। रास्कल, रास्कल का मतलब होता है कमीना, रास्कल मतलब क्या होता है कमीना होता है। होर्सल, होर्सन, होर्सन का मतलब होता है होर्सन, इसको पढ़े कि डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है, होर्सन मतलब होता है हरामी का पिल्ला है, होर्सन है तुम, हरामी का पिल्ला है होर्सन। बैंगअप, बैंगअप का मतलब शानदार होता है, बैंगअप का मतलब क्या होता है शानदार, स्प्लेंडिड भी कह सकते हैं, एस पी एल ई एन डी आई डी, एस पी एल ई एन डी आई डी, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड का मतलब ही शानदार होता है। लोफर, लोफर का मतलब निकम्मा होता है, लोफर का मतलब क्या होता है निकम्मा। टॉन्ट का मतलब टॉन्ट, टॉन्ट मतलब ताना मारना, किसी को ताना मारना या किसी को उलखन तलखा देना, टॉन्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं टॉन्ट, टॉन्ट कर देना, किसी को ताना मार देना है ना। जाइव, जाइव का मतलब ही ताना मारना होता है, और जाइव, जाइव का मतलब ही, जाइव का मतलब ही क्या होता है ताना मारना होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी के लिए फिर एक वीडियो लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे, और आप लोग वीडियो को देखते रहिए और इसी प्रकार से मजा लेते रहिए, और एक पर एक चीज़ आप सभी के बीच में जो है लेकर आता रहूँगा, और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और आपका ए सैगल सर, जय हिंद जय भारत। किए थे कि नहीं।